जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवम स्टडी सेंटर के इस लेटेस्ट धमाकेदार मस्त वीडियो में। मेरे प्यार साथियों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, और मेरे प्यार साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यार साथियों, नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो को अच्छे से देखिए। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छे से आपको सेंटेंस बताए हैं। जब उस प्लेलिस्ट को देखकर जब इस वीडियो को आप देखें, चलिए मेरे प्यार साथियों, जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के पहचान अनुवाद के नियम क्या होते हैं। मेरे प्यार साथियों, पहचान अनुवाद के नियम रहे ये। मेरे प्यार साथियों, उनकी पहचान है ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जी मेरे प्यार साथियों, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होने से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। मेरे प्यार साथियों, चलिए देखते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम रहे ये। हमारा फर्स्ट नियम है, ऐसे वाक्यों में हैड बीन के बाद किंतु बीन से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। जी मेरे प्यार साथियों, सही से समझिए आप, ऐसे वाक्यों में हैड के बाद किंतु बीन से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, राइट। और मेरे प्यार साथियों, हमारा दूसरा नियम रहा ये, शेष सब नियम पॉजिटिव सेंटेंस वाले ही हैं। जी मेरे प्यार साथियों, शेष सब नियम पॉजिटिव सेंटेंस वाले ही हैं। जैसे हमने आपको कल की वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, उसी प्रकार सब नियम हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। चलिए मेरे प्यार साथियों, अब हम आपको बताते हैं सेंटेंस, किस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस बाय शिवम सर। देखिए मेरे प्यार साथियों, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आप सभी को बेसिक से डेली अंग्रेजी सिखाई जा रही है। यदि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस। मेरे प्यारे साथियों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस का हमारा पहला सेंटेंस रहा ये, मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से खाना नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया है, हमने आपको अभी अनुवाद के नियम में क्या बताया था ये देखिए। ऐसे वाक्यों में हेड के बाद किंतु बीन से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, हमने हेड के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया, ये देखिए ना आप, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, राइट। आप समझ गए, और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना ही है। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो तो नेगेटिव सेंटेंस की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर हमारी वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं और सेंटेंस बाय शिवम सर। मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आप 3 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 hours। आप 3 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 hours। चले मेरे प्यार साथी, और देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस बाय शिवम सर। हम 2 साल से पढ़ नहीं रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 years। हम 2 साल से पढ़ नहीं रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 years। मैं आपको 5 साल से देख नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन लुकिंग यू फॉर 5 years। मैं आपको 5 साल से देख नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन लुकिंग यू फॉर 5 years। आप 1 सप्ताह से खा नहीं रहे थे। यू हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस 1 week।
आप एक सप्ताह से खा नहीं रहे थे, यू हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस वन वीक। चलिए मेरे प्यार साथियों और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम सर। शिवम 10 दिन से बोल नहीं रहा था। शिवम हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस 10 डेज। शिवम 10 दिन से बोल नहीं रहा था। शिवम हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस 10 डेज। हम 1 महीने से अनुभव नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन फीलिंग सिंस 1 मंथ। हम 1 महीने से अनुभव नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन फीलिंग सिंस 1 मंथ। मेरे प्यार साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप सभी को मेरे चैनल पर बेसिक्स अंग्रेजी सिखाई जाती है, आप सभी जानते हो। चलिए देखते हैं और सेंटेंस। मोहित 1 बजे से रो नहीं रहा था। मोहित हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। मोहित 1 बजे से रो नहीं रहा था। मोहित हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम सुबह से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं 3 महीने से पढ़ा नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 मंथ्स। मैं 3 महीने से पढ़ा नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 मंथ्स। मैं तुम्हें 2 घंटे से याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन मिसिंग यू फॉर 2 आवर्स। मैं तुम्हें 2 घंटे से याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन मिसिंग यू फॉर 2 आवर्स। हम आपको 1 बजे से नहीं कुदा रहे थे, वी हैड नॉट बीन जंपिंग यू सिंस 1 o'clock। हम आपको 1 बजे से नहीं कुदा रहे थे, वी यू हैड नॉट बीन जंपिंग यू सिंस 1 o'clock। चलिए माय डियर फ्रेंड्स और देखते हैं आगे सेंटेंस बाय शिवम सर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी जानते हैं, आप सभी को हमारे चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर बेसिक्स अंग्रेजी सिखाई जा रही है। और मेरे प्यार साथियों, यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं कल एक और धमाकेदार और मस्त वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।